मुस्लिम राजनेता ही बनाते हो। प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे रहो। अच्छे दिन आने वाले हैं यार, मोदी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। हिंदू मुस्लिम करने से देश थोड़ी ना चलता है। सिर्फ पैसे वालों के लिए है सरकार, गरीबों के लिए। मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, अखिलेश ने सपोर्ट किया, कहा था मुसलमान का, मुझे जेल भिजवा दिया 100 नंबर पे। क्या कसूर किया मैंने? क्या अपने पास एक एग्जाम पर बताओ क्या रखा? ये बताओ, पेट्रोल पंप तो मुकेश अंबानी की सारी है, रेल भी भेज दी। मोदी जी आए, मोदी जी आए। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में दोनों में अंतर क्या है? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सुनो, बहुत बड़ा अंतर है भाई साहब। मेरे गांव में जब अखिलेश की सरकार थी, 100 नंबर पे मेरे गेट के सामने जब लड़ाई हो रही, मेरा फर्ज बनता है कि बचाने का, ठीक है, मेरा फर्ज बनता है बचाने का, और मैंने बचाया। मैंने हेल्प मांगी, गए थे, मुझे पता नहीं था, मैं देहात गांव में रह रहा था उतने टाइम। भारत सिंह नाम है मेरा, ठीक है। और हिंदू मुस्लिम दो पक्ष लड़ रहा है, कंप्यूटर पर बोला कि हाँ भाई कौन वो कौन लड़ रहे हैं, तो मैंने भाई देखो दो पक्ष लड़ रहे हैं और मेरा पूरा गांव बाजार में है, आप दो पुलिस वालों को भेज दीजिए जिससे शांति का समाधान हो जाए। मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, अखिलेश ने सपोर्ट किया, कहा था मुसलमान का, मुझे जेल भिजवा दिया 100 नंबर पे। क्या कसूर किया मैंने? ये तो यह होना चाहिए। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम वाली बात, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं बनाता है, कहते हिंदू मुस्लिम राजनेता ही बनाते हैं। सही बात है, सही कह रहा है। हिंदू मुस्लिम का क्या, आपने आप कभी लड़े हैं बताओ? कंपनी आते हैं, हम सब भाई से कहते हैं दुआ बंदगी हमसे हम करते हैं और हम इनसे करते हैं। देखो कैमरे की तरफ, बताइए क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी और योगी दोनों रहेंगे जब तक देश में सब कुछ सही रहेगा, हम यही कहना चाहते हैं। विपक्षियों का क्या होगा? विपक्षी तो मान लो कोई किधर पक्षपात करता है और क्या है। मोदी जी ने क्या सही कर दिया, क्या नहीं किया, क्या क्या बताइए? हिंदू मुस्लिम कर दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया। मोदी ने हर व्यक्ति की नौकरी के लिए, हर व्यक्ति को अगर सही करते होता तो 12,000 के लिए नौकरी के लिए नहीं पड़े होते। टोटी चोर है, भाग गए, पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। आराम से बात करेंगे। 5 काम भारतीय जनता पार्टी का, सही बात है, दिखाओ। देखो सबसे पहले राम मंदिर है, ठीक है, और हर व्यक्ति गरीब को राशन, ठीक है, मैं सुन ले। और कहीं भी सुरक्षा के बारे में हम आधी रात भी चले जाएं, कोई मतलब कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और जितना भी गरीब या कमजोर व्यक्ति है सबके लिए, मतलब बुजुर्गों के लिए, उनके लिए भी मतलब पेंशन वगैरह। ये दिल्ली से क्या करना, पहले सुनिए। चलो आप 5 भारतीय जनता पार्टी की विफलता बताओ, क्या बताएं? बोलो, 5 काम गिनवा दिया, लोग सुरक्षित हैं, राम मंदिर बन गया, राम मंदिर मोदी ने बनवाया, कोर्ट ने फैसला नहीं किया, कोर्ट फैसला दिया वो तय हो गया। अब ये 2024 में चुनाव आने वाला है, इससे पहले 22 दिसंबर को जाएगा, उद्घाटन कर दिया। ये वोट लेने के चक्कर में वोट बैंक बनाने के लिए, हमसे पूछना वोट बैंक बनाने के लिए क्या किया वो? वो बाद में सकता, बाद में बता, अभी इसका काम पूरा भी नहीं हुआ है। वोट बैंक के लिए मोदी महंगाई बढ़ा रहे हैं, पहले ही मिलेगा। प्रधानमंत्री राहुल जी को चुनेंगे, क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ने क्या किया यार? मुस्लिम क्या एक ही काम किया, वो हिंदू मुस्लिम। जनता पार्टी के लोग कहते हैं राहुल गांधी सही से बोल नहीं पाते, देश चला। अरे जो कह रहा है वो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा, कैसे नहीं बोल पाया? संसद में बैठा बोल नहीं पाता है, हिंदुस्तान इसके बदौलत चलता है। जितने भी नेता है तो वो भी सही नहीं बोल पाते। अमित शाह कह रहे हैं 12वीं में जो पास होकर इंटर में जाएगा उसे लैपटॉप मिलेगा, उनसे पूछो 12वीं और इंटर है तो एक ही, ये बताओ पहले। पहले तो भाजपा घूम रहे, भ्रमण कर रहे हैं, विदेशों में काम नहीं कर रहे मोदी जी, कुछ नहीं कर रहे, महंगाई बढ़ा रहे हैं। मोदी वाला मोदी जी से हमारे 15 लाख रुपए दिलवा दे, 15 लाख रुपए उन्होंने कहा था खाते में आएंगे, वो दिलवा दो बस। 15 लाख रुपए नहीं मिले क्या आप लोगों को? किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, ये झूठा वादा, बस झूठा वादा, झूठा वादा, झूठा करते रहो, प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठे रहो। किसानों की डबल हुई कि नहीं हुई? किसानों की डबल हुई कि नहीं हुई? दिल्ली में लेटे, अच्छे दिन आने वाले हैं यार, मोदी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले।
अच्छे दिन आने वाले हैं। कौन आएगा फिर? आएंगे अखिलेश भैया, मायावती का गठबंधन होगा। अगर गठबंधन से हुई, अखिलेश यादव ने क्या काम किया अच्छा तुमको पता है? मतदाई की कोई सिलेंडर 800 रुपए का सिलेंडर था, मतदाई थी बहुत। अखिलेश यादव 12 लाख बिजली भी फ्री आती, बिजली महंगाई का दिया 36,000 बिजली बिल आया है घर में, मीटर में 4,000 बिजली बिल आया है सर। हर चीज महंगाई कर दिया, गैस में महंगाई, हर चीज महंगाई, कहाँ पे आदमी पूर्ति जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते पहले बिजली ही नहीं थी, मैं एक सब आती है अखिलेश सरकार सब मिलते था, फिर आते सब, सब फिर आती है। डेवलपमेंट नहीं था, अब हमारी करेंसी टॉप 10 से भी नीचे चल गया। बस हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम करने से सरकार थोड़ी ना चलती है यार। अपना करेंसी देखो टॉप 10 से भी आज की डेट में नीचे है। जब हमारा मनमोहन प्रधानमंत्री था करेंसी 7 नंबर पर था, आज टॉप 10 से भी नीचे है करेंसी। तो देश चलाने के लिए भाई हमारी करेंसी चाहिए, हिंदू मुस्लिम करने से करेंसी देश थोड़ी ना चलता है। भारत आरक्षण खत्म कर दिया, कौन आना चाहिए? हमारे तरफ से कांग्रेस रहना चाहिए। मेरे तरफ से दोनों को हटा करके नया किसी को लाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन देखना चाहिए। भाई उसे भी देखे 70 साल, उसे भी देख रहे हैं 10 साल से, तीसरा किसी को देखना चाहिए। बात है अखिलेश, अरे राज्य में मांगाई नहीं था। कांग्रेस और बीजेपी क्या पूरे भारत में यही दोनों है? है और है ना, और भी तो है, है इस देश में। लेकिन उनके पास 70 साल समय दिया, वो इतना करे तो अब 10 साल में ये आपको नहीं लगता ठीक ठाक काम कर पाए? इससे कम से कम अभी से बेहतर था पहले, ये अच्छे दिन का दिखावा दिखा करके बुरे दिन वाले के लिए बस वापस सिर्फ पैसे वालों के लिए है सरकार, गरीबों के सरकार। मेरा पूछते हैं आप लोगों को लगता एक मिनट, आप एक साथ बोलना, आप लोगों को लगता है कि मोदी की सरकार अडानी अंबानी की सरकार है? जी मानता हूँ, बड़े लोगों का बिल्कुल है, बिल्कुल है। अडानी अंबानी की सरकार ही है। अपने पास क्या रखा अपने पास, एक एग्जाम्पल बताओ क्या रखा? पैन जो दिया रिलायंस, ये बताओ पेट्रोल पंप तो मुकेश अंबानी की सारी है, रेल भी बेच दी बहन, क्या क्या नहीं बेचा उसने। अब ये अयोध्या बना लिया, मान लो चलो अयोध्या बना लिया, वहाँ गरीब लोग कई गरीब लोग जा पाओगे बताओ? कोई नहीं जा पाओगे, इतनी महंगाई है। इतनी मोदी जी ने बहुत अच्छा कर रहा था, हमेशा मोदी जी आए, मोदी जी आए, मोदी जी का क्या काम अच्छा लगा आपको? मोदी जी का ये जो बदमाशगिरी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, मोदी जी ने रोका, बहुत अच्छा लगा हमें। हमेशा मोदी जी आए, हमेशा के लिए जिंदगी भर मोदी जी रहे। लोगों में उत्साह इतनी ज्यादा है कि हम क्वेश्चन भी नहीं पूछ पा रहे हैं। कांग्रेस सरकार में और मोदी जी की सरकार में दोनों में क्या डिफरेंस है? कांग्रेस सरकार कैसी सरकार थी? कांग्रेस के बारे में तो मुझे पता नहीं, जब से मोदी आए ना, जब से हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हमें, जब से मोदी जी के राज में चला है ना, जब से हम बहुत खुश हैं हमेशा के लिए, ठीक है। और हमारे भी मोदी जी हमारा कारोबार आगे बढ़ाए। तो ये देखा लोगों की राय आपने, हम जानने आए थे कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन का माहौल क्या है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा दावा कर रही है कि 370 पार अकेले बीजेपी कर लेगी और एनडीए 400 पार जीत करके आएगी और अपने काम को गिनवाए। खैर आप क्या सोचते हैं, 70 साल कांग्रेस ने राज किया था, उनके काम को देखे और 10 साल बीजेपी के काम को देखे तो आपके मन में क्या विचार आता है, किसकी सरकार बननी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम संजय यादव है, कैमरे के पीछे तुषार गुप्ता जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।